नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों को जब आपसे कोई उम्मीद ना हो, फिर उस वक्त आप अपनी मेहनत करते रहिए और उसमें जो सफलता मिलेगी वो तहलका मचा देती है। ऐसा ही कुछ भारत और रूस के रिलेशन में अभी हुआ है। दोस्तों, दरअसल एक समय ऐसा था कि रूस के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि उसकी इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी, ऐसा समझ लिए। सभी लोगों ने उससे सामान खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन उसी वक्त रूस ने एक अपना मास्टर कार्ड चला और वो जो अपना क्रूड ऑयल बेचता था, जो कच्चा तेल बेचता था, उसमें उसने डिस्काउंट देना स्टार्ट किया। तो डिस्काउंट के लालच में कुछ देशों ने खरीदना स्टार्ट किया, स्पेशली चीन और भारत ने। जब भारत और चीन ने सैंक्शन की परवाह किए बिना रशिया से ख़रीदना स्टार्ट किया उसका कच्चा तेल, तो उसके पास भारी भरकम इनकम हो गई रूस की। जिस पैसे का उसने इस्तेमाल अपनी इकॉनमी को संभालने में किया, अपने देश को आगे बढ़ाने में किया, प्लस यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें भी उसने वहाँ पर हेल्प ली उस पैसे से। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद अचानक से जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो रसिया के जो कुछ यंगस्टर थे वो अपना देश छोड़कर जाने लगे। उनको लगा कि ये युद्ध वाली जगह है, अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने अलग अलग देशों में जा कर के शरण लेनी शुरू कर दी, जैसे कि तुर्की में, पोलैंड में, फिनलैंड में, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ऐसी जगह वो जाने लगे। तो दोस्तों, रसिया की इकॉनमी फिर नीचे जाने लगी। एक तो रीज़न ये था कि कुछ लोग उनके पॉपुलेशन से जाने लगे, दूसरा रीज़न ये था कि रसिया ने पिछले साल जो डिस्काउंट दे रहे थे वो डिस्काउंट कम कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों देशों ने रसिया से परचेस करना कम कर दिया ऑयल, जैसे कि भारत ने ही परचेस करना बंद कर दिया था। तो जो अभी ये करीब 40% ऑयल हम परचेस कर रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर भारत 100 लीटर कच्चे तेल का उपयोग कर रहा है तो उसमें 40 लीटर सिर्फ रसिया से ही परचेस कर रहे हैं। तो 40% अभी जो ये है अप्रैल मंथ में यूज, ऐसे ही अगर पिछले साल की बात करें जब डिस्काउंट कम कर दिया था तो ये 23% हो गया था। तो भारत उस वक्त 23% इनसे परचेस कर रहा था, अब वही चीज़ जब डिस्काउंट फिर से बढ़ा दिया रशिया ने तो हम 40% करने लगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा अब ग्रोथ हो गई है रशिया की कि यूरोप के देश भी उससे पीछे हो गए हैं ग्रोथ के मामले में। बता दें कि यूरोप के देश जो हैं, कुछ देश तो निगेटिव में चल रहे हैं उनकी ग्रोथ, लेकिन रूस की जो ग्रोथ है, सोचिए इतना सैंक्शन लगने के बाद, वो साथ ही साथ यूक्रेन के साथ युद्ध भी चल रहा है और उसमें भी वो करीब 2.4% अपनी ग्रोथ को मेंटेन करे हुए और आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये उसकी पुतिन की एक लीडरशिप भी है। सोचिए, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं ये लीडरशिप ही दिखाती है। साथ ही साथ जब ये उनके कुछ देश के लोग भी उनका साथ छोड़कर चले गए वो दूसरे देशों में, अब सोचिए कि जो जब वो दूसरे देशों में गए वहाँ भी उनको अच्छे नज़रों से नहीं देखा जा रहा था, तो अब उन लोगों ने वापसी भी करनी स्टार्ट करी है। तो वो जो माइग्रेंट्स थे वो वापस आना स्टार्ट हो गए। ऐसे ही आपको बता दें कि तुर्की में करीब 120,000 माइग्रेंट्स थे जो रसिया से गए थे, उसमें से करीब 60,000 वापस भी आ गए, अब सिर्फ 60,000 तुर्की में रह गए। तो दोस्तों, जो रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, ये सारा यंग जनरेशन थी जो काफ़ी मतलब एनर्जेटिक होती है, वो वापस आए, उन्होंने सपोर्ट किया। साथ ही साथ रसिया ने क्रूड ऑयल में भी जो डिस्काउंट था वो भी बढ़ाया। इसके साथ एक और भी बहुत बड़ा काम किया रसिया ने, जिसकी वजह से उसको सफलता मिली अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में, वो ये था कि लोकल करेंसी के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे कि इंडिया का बिजनेस रशिया के साथ रुपए और रूबल में होना स्टार्ट हो गया। दूसरा, उसने चीन के साथ युआन में बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करा। ये समझ लीजिए, चीन के साथ तो उसने एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है कि उसको साल में $260 बिलियन का बिजनेस करना है रूस और चीन को। तो ये भी एक अच्छी मतलब उसने बिग मतलब एक बड़ा कहते हैं कि डिसीजन लिया। इसके साथ उसने ईरान के साथ एक उसने लोकल करेंसी में एग्रीमेंट किया कि हम लोकल करेंसी में बिजनेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी, एक एक स्टेप जो रसिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती चली गई और पुतिन की लीडरशिप को भी अलग से दिखाती रही। तो भारत भी कच्चे तेल को ख़रीद रहा है, भारत ने भी सैंक्शन की परवाह नहीं करी और बहुत अच्छा किया, जो हमें क्रूड ऑयल का डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता रहा। अब दोस्तों, ये समझ लीजिए कि आखिर ये डिस्काउंट कितना दिया। तो आपको बता दें
कि जो हमने रूस से डिस्काउंट में ख़रीदा है क्रूड ऑयल, ये समझ ली उसकी सिर्फ बचत $13 बिलियन की है। मतलब $13 बिलियन, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होता है। पूरा अगर हम अपने डिफेंस बजट देख लें तो $75 बिलियन का होगा। तो दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा हमने परचेज़ किया है। इससे रसिया को भी इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई, साथ ही साथ एक और रसिया के लिए चिंता की भी बात है। अभी क्या है कि US ने यूक्रेन को $61 बिलियन दान के रूप में दे दिए कि ठीक है आप रूस से लड़ाई करिए, वॉर को आगे बढ़ाइए। सोचिए $61 बिलियन, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जो टोटल डिफेंस बजट है $75 बिलियन का है, और $61 बिलियन सिर्फ रसिया ने अमेरिका ने यूक्रेन को दे दिया कि आप सिर्फ रसिया से लड़िए। तो अब उस हिसाब से रसिया को भी अपने को मजबूत करना पड़ेगा, मिलिट्री वाइज सारा डिफेंस और बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको पैसे भी चाहिए। तो जब पैसे चाहिए तो उसने डिस्काउंट किया कि डिस्काउंट दो और ज़्यादा से ज़्यादा बिके। यही कारण हो गया है कि भारत ने 40% तक परचेस कर ली है। ये दोस्तों भारत और रूस के रिश्ते को भी ये बहुत आगे तक ले जाएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा रशिया के लिए भी और भारत के लिए भी। दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई कुछ अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।